हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूं। तो दोस्तों, करते हैं नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7 बजे से, और अभी जा रही हूं मैं दूध लेने के लिए गांव में। तो चलिए पहले आपको आज का मौसम दिखा देते हैं, उसके बाद करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का, और अभी मैं दूध लेकर भी आ गई हूँ, तो हाथ बिजी है अभी। तो थोड़ा सा दूध है और 5 किलो का लस्सी का डब्बा भी है। हाँ, तो अभी चलते हैं घर के लिए, और मेरे साथ आगे आगे जा रहा है हमारा पिंडू डॉगी। कैसे दौड़ लगा रहा है आगे आगे, इनके भी मज़े ही होते हैं। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी से घर के लिए, भी बहुत सारा काम बाकी है। बाकी देखो दोस्तों, मौसम है कुछ इस तरह का और बारिश आ रही है, बूंदे बूंदे पड़ने लग गई थी, पहले हल्के हल्के छींटे लग गए थे तो मैंने कपड़े भी उठा दिए थे। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो उस वाली साइड ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बारिश आने वाली है तो फटाफट से अपना काम करते हैं, नहीं तो फिर रसोई की लिपाई करने के बाद ना सूखने में भी टाइम लगता है। तो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर है गोबर का घोल, इसको उठाते हैं और चलते हैं रसोई में। आगे दोस्तों, अभी आगे मैं यहाँ पर लिपाई करने के लिए, अभी फटाफट से यहाँ की लिपाई करते हैं, उसके बाद ना शाम के टाइम शायद मैं पल्लू पायल के घर भी जा सकती हूँ, क्योंकि ना दीदी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चली थी, जैसे कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया है, और जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो उनकी ना तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ना चींटी ने काट लिया था मतलब पाँव में, जिस वजह से उनकी सोजिश नहीं उतर रही थी। तो उनके ना टेस्ट वगैरह चल रहे थे हॉस्पिटल में, तो उनको काफ़ी टाइम से क्या था मतलब बहुत दिन हो गए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए। तो फाइनली उनको ना 2-3 दिन पहले छुट्टी मिल गई है, तो अभी आ गए वो घर में। तो बाकी एक रिपोर्ट रहती है, उसके लिए जाएंगे वो थोड़े दिन के बाद। तो डैडी जी बोल रहे थे उनके घर जाके आएंगे, मिल के आएंगे, क्योंकि ना अखरोट के चक्कर में हम मतलब बिजी रहे घर में, तो हम जा भी नहीं पाए थे। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है 1-2 दिन का, क्योंकि उसके बाद फिर सैर का साझा भी आ जाएगा, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। तो आज या कल तक जाने का सोच रहे थे, तो देखते हैं शाम के टाइम मौसम कैसा रहता है। अगर ठीक रहता है तो फिर शाम के टाइम ना उनके घर भी जाके आएंगे, उनसे मिलके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं रसोई की लिपाई कर लेती हूँ फटाफट से, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने रसोई की लिपाई भी कर दी है, तो फटाफट से ना रसोई की लिपाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फर्श में तो फटाफट से 5 मिनट का काम होता है। तो अभी देखो सुंदर लग रही है, तो बस अभी जल्दी जल्दी से सूख जाए बस बारिश आने से पहले, क्योंकि ना यहाँ पर पानी पानी हो जाता है फिर, नहीं तो। बाकी मौसम देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है, और यहाँ पे बेचारी हमारी लाली ना आजकल चाची बोल रहे थे कि कमज़ोर हो गई है, क्योंकि ये ना अकेली होती है, इसको बुरा लगता है ना शायद अकेले, तो यहाँ पर बेचारी क्या कर सकती है, अभी अकेली है, घास खा रही है। यहाँ पर दिखाती हूँ मैं दोस्तों आपको सबसे बड़ी घंघेरी अपनी, तो ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना इसको बोलते हैं हम घंघेरी की सब्ज़ी। तो ये देखो कितनी बड़ी है, यहाँ पर इतनी मोटी ना, कम से कम ये ना 1 किलो से ज़्यादा है, 1.5 किलो नहीं। तो अभी इसको यहाँ पर रखा है, क्योंकि ये ना सख्त होगी, अब इसको इसकी सब्ज़ी नहीं बन सकती, तो इसको हमने ना बीज के लिए रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर लगी है बहुत सारी लगी हुई है, और यहाँ पर देखो राजमा भी लगे हुए हैं, और आगे लगा हुआ है खीरा। तो हम 2 दिन घर में नहीं रहे तो ये पक गया, अभी इसको बीज के लिए रखेंगे हम। बाकी और भी लगे हुए हैं, और
एक फिर हमने पहले तोड़ के खा भी लिया। चाची और दीदी आए हुए थे तो हमने ना खीरा काट के खा भी लिया, तो बहुत मज़ा आया। हाँ, पीसे हुए नमक के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पर देखो बहुत सारी खीरे लग रहे हैं अभी तो। यहाँ पर देखो छोटा सा खीरे एक, और ये भी हो जाएगा थोड़े दिन में खाने के लिए। तो अभी तो बहुत सारे लग रहे हैं। दोस्तों ना बहुत ज़ोर की बारिश लगी थी पहले, और बारिश के बाद अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है। तो हमारा जाना कैंसिल हो गया है आज। ये देखो यहाँ पर शानू के लिए लाई है उसके दादू ने गिफ्ट स्पेशली चलने के लिए। ऐसे वो ना नीचे से कूड़ा करकट खाती रहती है, तो इसीलिए ना उसके दादू ने उसके लिए अखरोट की निशानी लाई है अखरोट के पैसों से। और अभी देखो कैसे रो रही है, उसकी दीदी बोल रही है मैंने घर चले जाना, तो इसीलिए रो रही है कि मेरे को गोदी मिले और हमारे पास भी नहीं आ रही है। ऐसी होगी ये, अपनी दीदी के पास बहुत खुश रहती है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। देखो इसको तो बस अपनी दीदी चाहिए, बस दीदी की लाडली। तो इसको इसी में डाल के रखा था सुबह से, और अभी देखो हमारे पास आ ही नहीं रही है। देखो मुँह कैसे बना रही है। आ जाओ बिट्टू, आ जा, अज्जा नहीं ये चोटी क्यों हो गई है तेरी खड़ी, ये चोटी। जन्मों जन्मों का बंधन, दो बिछड़ी हुई बहनें। चलो अभी चलते हैं रसोई में। बारिश की वजह से ना हम दीदी के घर पे भी नहीं जा पाए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, फिर हमने मना कर दिया उनको। तो अभी देखते हैं कल जा पाए तो, अगर कल नहीं गए तो फिर नहीं जाएंगे क्योंकि परसों चौथ, फिर उसके बाद तो सैर का साजा है, तो फिर उसके बाद ही देखते हैं, साजे के बाद ही देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अंदर कढ़ाई में घी रखा है क्योंकि ना डब्बे में रख दिया था, वो बहुत दिन हो गए थे उसको और उसमें स्मेल आने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार फिर से ना दोबारा अच्छी तरह से गर्म करके तो उसके बाद फिर से नए वाले बर्तन में डालेंगे ताकि फिर उसके बाद ना स्मेल नहीं आएगी। तो अभी देखते हैं अंदर। तो यहाँ पर कढ़ाई में रखा है मैंने घी, इसको ना अच्छे से उबाल आने देंगे ताकि इसकी सारी स्मेल चली जाए। उसके बाद इसको मैं दोबारा से ना नए बर्तन में रखूँगी। मैंने रखा था प्लास्टिक के बर्तन पे, तो प्लास्टिक के डब्बे में ना स्मेल आ जाती है जल्दी, तो अभी इसको ना स्टील के डब्बे में रखूँगी। अभी मुझे लगता है ना ये अच्छे से गर्म हो गया, इसकी सारी स्मेल भी चली गई, शायद अभी नहीं आ रही है स्मेल जैसे। तो यहाँ पर है स्टील का डब्बा, इस वाले डब्बे में रखूँगी अभी। बाकी अभी ना रसोई भी दीवारें सूख ही गई है लगभग, नीचे फर्श रहता है सूखने के लिए, तो थोड़ी देर में ना चूल्हा जला दूँगी अभी। तो लकड़ियाँ लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और चूल्हा ना यहाँ यहाँ से फट रहा था तो मैंने एक बार फिर से इसको पानी से अच्छे से कर दिया। बाकी देखते हैं अभी कल फटेगा दोबारा, तो फिर कल ना दोबारा एक बार पोछा लगा दूँगी। तो अभी चूल्हे में आग जलाती हूँ, उसके बाद ना फर्श सूख जाएगा बढ़िया से। दोस्तों अभी मेरी चूल्हे में आग भी अच्छे से जल गई है और मैंने आटा भी गूंथ लिया है, तो अभी फटाफट से रोटियां बनाऊंगी। बाकी आज सब्जी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज बन रहा है चिकन, तो दीदी के लिए मार्केट साइड तो अभी तक वो पहुँची नहीं है, तो चिकन मंगवाया है तो हम इकट्ठा ही बनाएंगे चिकन चाचरों के घर में। तो अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाऊंगी और उसके बाद हम खाना खाने के लिए वहाँ पर जाएंगे चाचरों के घर में। तो ऐसे कभी कभार हम ऐसे इकट्ठा बना लेते हैं, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, तो ऐसे चलता रहता है हमारा। तो आज हम उनके घर में जाएंगे बाद में खाना खाने के लिए, रोटी बना के ले जाएंगे और चिकन वहाँ पर बनाएंगे। बाकी दोस्तों आपको शानू का गिफ्ट कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो डैडी ने उनके लिए शानू के लिए स्पेशली अखरोट के पैसों से गिफ्ट लाया है ताकि याद भी रह जाए कि अखरोट के पैसों से लाया हुआ था, तो इस तरह ना याद रह जाती है चीज़ों की। तो बाकी वो उसमें बैठ के खेलती रहती है और ऐसे ना कूड़ा करकट उठाते रहती है वो खाने के लिए, तो बाकी ऐसे काम भी करते रहेंगे बैठ के और वो उसमें खेलती रहेगी, तो ज़्यादा देर तो वो बैठती नहीं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन ऐसा होता है कि मतलब वो कूड़ा करकट नहीं खाएगी तो उसमें थोड़ी देर के लिए वो खेलती रहेगी और चलना भी सीख जाएगी जल्दी से।
तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को करते हैं यही पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।